कोरबा जिले के भिड़तराई गांव के मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाकर करीब 30 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है। इनमें से कुछ बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब बच्चों ने मिड डे मील खाया। मध्यान्ह भोजन में करेल, भिंडी और आलू मिक्स बना था। सभी बच्चों ने खाना खाया। खाना खाने के 1 घंटे के बाद से बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। सभी बच्चों को उल्टी पेट और सिर दर्द शुरू हो गया। 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 30 छात्र छात्राओं की हालत खराब हो गई। सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें से 13 बच्चों की हालत गंभीर थी, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के RMO यशवंत कुमार साहू ने बताया कि 13 बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं कुछ बच्चे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। कुछ बच्चे जिनकी हालत संभल गई, उन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं मिडिल स्कूल के शिक्षक कन्हैया लाल कमर ने बताया कि मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बाहर खेल रहे थे कि उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, तब जाकर सभी को अस्पताल लाया गया। BMO डॉक्टर राकेश पटेल ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।